तो जो हिमाचली लोग होते हैं ना, जो पहाड़ी लोग होते हैं, क्योंकि आपका ट्रैवल ब्लॉग है और आप लोग काफ़ी जाते भी होंगे और आप रेकमेंड भी करते होंगे, तो दे आर लेड बैक पीपल. एक तो वो लोग बहुत ज़्यादा चिल्ड आउट होते हैं, दे आर नॉट एम्बिशियस बाई नेचर. और उनकी सबसे बड़ी स्ट्राइकिंग बात ये होती है कि दे आर वेरी काम पीपल, दे आर वेरी काम. और इनमें से मैं तीनों ही नहीं हूँ. आई एम सच अ मिसफिट इन इवन इवन हिमाचल. कैन यू बिलीव अ प्लेस वेयर देयर आर नो क्राइम्स? माय गॉड, यस. सो आई नेवर सॉ एनी ब्रॉल और एनी फाइट अराउंड मी. Whereas the adjacent states to Himachal, yeah. Punjab and Haryana are just the opposite. Yeah. When you came to Mumbai, Kangana, I was just doing my research. और मुझे बताना अगर मैं गलत हूँ, पर आप 10,000 rupees लेकर आई थी. Is that true? Yeah, I left home with 10,000 rupees. Then I went to Delhi. अच्छा. तो वहाँ पे वो obviously I was staying in a PG with my friend, and then from there only I took it forward. पर मुंबई तक पहुंचते पहुंचते मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, बट आई वॉज विद एन एजेंसी बाय देन. तो उन्होंने मुझे अपने खर्चे पे यहाँ भेजा हुआ था, एलिट मॉडलिंग एजेंसी. उन्होंने मेरी टिकट करवाई थी. उन्होंने मुझे ट्यूलिप स्टार करके होटल होता था यहाँ पे, उसमें रखा हुआ था. और यहाँ पे फिर मैं ऑडिशंस के लिए जा रही थी, एड्स वगैरह के ऑडिशन के लिए. फिर मुझे कोई मिला जिन्होंने कहा कि आप आशा चंद्रा का एक हॉस्टल है जहाँ पे वो एक मैट्रेस मिलता है और एक क्लोसेट मिलता है, कमरे में 5-6 लोग रहते हैं, हॉस्टल है वो. तो आप अगर एक्टिंग का कोर्स करेंगे तो उसका कुछ प्राइस था, पर सिर्फ अकोमोडेशन का जो प्राइस था वो आई थिंक काफ़ी कम था. आई कम फ्रॉम अ वेरी वेल टू डू फैमिली, यू नो. सो तो मेरे लिए जो कॉन्ट्रास्ट था टू कम फ्रॉम अ वेरी कम्फर्टेबल इन्वायरमेंट टू, एंड इट वॉज सेल्फ इम्पोज्ड. ऐसा नहीं था कि, क्योंकि मैं बचपन से बहुत घमंडी हूँ, तो मुझे एक बार पापा ने अगर बोला कि यू नो अगर आप पढ़ाई छोड़ोगे तो आई डोंट हैव मनी फॉर यू, देन व्हाट डू वांट टू डू, आई डोंट हैव मनी फॉर योर ड्रीम्स एंड फैंटेसीज. ऐसा मुझे पापा ने बोला. अगर मुझे किसी ने एक बार ऐसा बोल दिया तो फिर तो मतलब ठीक है, मैं आपसे कभी पैसे नहीं लूँगी. सो लाइक दैट. अच्छा. तो वो फिर उसके बाद मुझे पूछते भी रहे, कर क्या रही हो तुम, यू वांट समथिंग? नहीं 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 कुछ नहीं. और उसके बाद जो मुझे मुश्किलें भी आई, जितनी भी मुश्किलें आई, यू नो आई मैं गलत लोगों के हाथ, जब ऑफकोर्स जो कि देखेगा कि इतने अच्छे घर से कोई ये बच्ची है, कहाँ घूम रही है, कैसे, यू नो, बिकॉज आई यूज टू वेयर गुड क्लोथ, आई यूज टू टॉक नाइसली, एंड आई सबको लगता था तुम हो कहाँ से, यू नो, अकेले कैसे घूम रही हो यहाँ पे, तुमको कोई. तो उसके बाद में जब मुझे मुश्किलें भी पड़ी, आई नेवर वेंट बैक टू माई पेरेंट्स, बिकॉज मुझे लगा कि मीनू मैंने अपने आप को खुद इस सिचुएशन में डाला है, तो अभी उनको कुछ यहाँ पे बनता नहीं है मेरे को इस सिचुएशन. आई टू गो टू कॉप स्टेशन अलोन. उस टाइम पे थैंक गॉड ये सब फेस टाइम वगैरह नहीं था. तो इफ़ आई एम इन अ कॉप स्टेशन और आई एम इन ट्रबल, आई टू लाई अबाउट इट कि नहीं मैं तो घर पे ही हूँ, आपको कौन, ये सब मत मानो आप ये सब. सो आई बिकेम वेरी मच्योर एट अ वेरी यंग एज बिकॉज आई टुक माई ओन डिसीजंस. बट अलॉन्ग विद दैट मैंने ऐसा किया कि अपने डिसीजंस पे देन आई स्टूड बाय देम. आई नेवर वेंट बैक टू माई पेरेंट्स के हाँ आप मुझसे ये गलतियाँ हो गई, अब आप मुझे संभाल लो.